एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। रिश्तों को किस तरीके से तार तार होते हुए पूरे देश ने देखा, जहां पर एक मां ने अपने दूध मुहे दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। बात सिर्फ एक हफ्ते की है और इस सप्ताह तीन ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिनमें रिश्तों को तार तार होते हुए सभी ने देखा। रतलाम में माणक चौक जो थाना है वहां का मदीना नगर इलाका है, वेद व्यास कॉलोनी में एक महिला जो कि अपने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने को लेकर चर्चा में बनी रही। बताया ये जा रहा था कि महिला जो है कहीं ना कहीं कुछ ऊपरी हवा के चक्कर में है, जिसे लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हवा के चक्कर में है। लोग बता रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि महिला के शरीर पर गंडे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं हाजिरी भरती होगी। ये एक पहलू तो अलग है, लेकिन इसके साथ एक जो पहलू जो आता है वो आता है रिश्तों का। हम उन लोगों को देखें कि जिनके यहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं और वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई बाबा हो, तांत्रिक हो, सभी जगह जाकर वो गुहार लगाते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हर तरीके से कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर किलकारियाँ गूंजे और हमारे यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं हमारी आंगन में खेले। लेकिन जब कोई माँ इस तरह की घटना को अंजाम देती है कि दो, जब उसके यहाँ पे खुशियाँ आई, चार महीने ही बीते थे और वो अपने बच्चों को खिला रही थी और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने ही जो लखते जिगर जो उसके टुकड़े थे उनको मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 20 नवंबर की है, लेकिन उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। बात जब आगे बढ़ी कि जब महिला का जो पति था मुस्कान का, हुसैन कुरैशी, उसने भी महिला का साथ दिया और साथ भी इस तरीके से दिया कि दोनों बच्चों को ले जाकर उसने कब्रिस्तान में कब्र में दफन कर दिया। आसपास के लोगों को इस मामले में पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसके पूर्व भी बताया जा रहा है कि जो महिला की जो एक बच्ची थी, दो साल पहले भी वो भी इसी तरीके की घटना से उसकी मौत हुई थी। एक और जो महिला की बच्ची है, वो महिला की बच्ची भी कहीं ना कहीं घायल होते हुए बची थी, वो भी आगजनी की घटना में कहीं ना कहीं प्रयुक्त हुई थी और वो बच गई थी। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हवाई फेर था, इस हवाई फेर की वजह से मुस्कान ने अपने बच्चों की जान ली और पानी की टंकी की डुबो कर उसने अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाना क्या इंसानियत के लिए सही है, क्या रिश्तों को लिए सही है? क्योंकि जब घर में बच्चे खेलते हैं, बच्चों के मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं घर में हंसी डटोली का माहौल होता है, कहीं ना कहीं एक हंसी मजाक और घर में खुशहाली होती है। लेकिन मुस्कान ने ये जो बात की जा रही है कि मुस्कान ने महज अपने बच्चों को, सिर्फ जो दूध मुहे बच्चे हैं उनको सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारा दिया था क्योंकि उसकी सास और उसका पति पड़ोस में एक महिला की मृत्यु हुई थी और उस महिला के घर जा रहे थे और मुस्कान ने कहा था कि आप में से कोई भी रुक जाएं और बच्चों को संभालें, मैं परेशान हो रही हूं। लेकिन महिला ने आखिरकार दोनों ही बच्चों को सिंटेक्स की टंकी के अंदर डाल दिया और अपने पति को खबर की कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पूछताछ में पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि मुस्कान ने अपने दोनों ही बच्चों को मार दिया और मारने के बाद उसने पति को सूचना दी, एक बच्चा खेल रहा था, एक बच्चा झूले में था। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि एक माँ किस तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। अभी कुछ दिनों पूर्व की ही बात है, भोपाल में डीजे बज रहे थे और उसी दौरान तेज आवाज़ में जब डीजे बजे तो बजने के दौरान ही बच्चा एक जो था उसका बेहोश हुआ, एक माँ का।
उसकी माँ का वो एक लौता बच्चा था और वो अपनी माँ के पास पहुँचा और उसकी माँ की गोद में ही अचेत हुआ। माँ चिल्लाती रही, पुकारती रही, एक ये माँ थी और एक ये माँ है। ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं कि माँ और बेटे और बेटियों की एक आपसी में जो समन्वय, आपसी में एक जो तालमेल होता है वो बताया और या समझाया नहीं जा सकता है, ये महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं। इसके बाद एक और घटना घटी देवास जिले के पिपरावा के बालोन में। यहाँ पर एक जो घटना घटी वो घटना भी बड़ी अजीब थी। यहाँ पर जब लोग, परिवार के लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की शादियाँ अच्छे परिवार में करें, अच्छी जगह करें, इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम किरण था उसकी शादी हुई मात्र एक साल पहले। अच्छे से गृहस्थी चल रही थी, अच्छे से गृहस्थी चलने के दौरान ही किरण जो अपने पति से कहीं ना कहीं नाराज़ थी, वो नाराज़ भी इस कदर हुई कि उसने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। उसका जो पति था, उसके पति को लोकेंद्र नाम था उसका, 25 वर्ष का था मात्र, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। उसके पति की उसने हत्या करवाई और पति को गला भींच कर इस बेरहमी से मारा गया कि वो उठ भी नहीं सका। इस घटना में चार लोग शामिल थे, वो चारों को ही कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया है। किरण इस मामले में सबसे बड़ी इसलिए अपराधी मानी जाती है क्योंकि किरण ने रिश्तों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। किरण का नाम इसलिए भी काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि उसने अपने पति लोकेंद्र को मारा। बताया ये जा रहा है कि लोकेंद्र उसे परेशान करता था, लेकिन परेशान करता था तो इसके कई हल हैं, कई रास्ते हैं। परिवार में बताएं, परिवार में भी बताने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो कानून की राय लें, कानून के जानकारों के पास जाएं, पुलिस का के पास जाएं, पुलिस कहीं ना कहीं रास्ता निकालेगी और आपका और रिश्तों में जो कहीं ना कहीं पटापेक्ष की स्थिति बनती है उसको व्यवस्थित करके बिल्कुल सही करेगी। महिला डेस्क है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने, शासन ने, न्याय व्यवस्था ने कर रखी है। इसके बाद एक और जो घटना घटी, ये जो घटना थी ये तो 21 नवंबर की थी, 20 और 21 की घटना हो गई। अब हम एक 22 नवंबर की एक घटना आपको बताते हैं। ये घटना भी काफ़ी दर्दनाक और दिल दहलाने वाली घटना है। 22 नवंबर की सुबह 7 बजे के करीब देवास जिले के कन्नौद में एक 45 वर्षीय व्यक्ति निसार, जिनके पिता का नाम मुशर्रफ है, वो अपनी दुकान की तरफ थे। उसी दौरान दो युवा आए और दोनों युवाओं ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के दौरान निसार की मौत हो गई। जिला अस्पताल ले जाया गया, जांच की, सब कुछ हुआ, लेकिन निसार को वहां पर मृत घोषित कर दिया। लोग तलाशते रहे, ढूंढते रहे कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से इस घटना का कहीं ना कहीं बात सामने आए कि इस ये घटना क्यों घटी। पुलिस के सामने भी चुनौती थी क्योंकि देवास ज़िले में एक ये घटना घटी थी पहले दिन किरण वाली, लोकेंद्र की जिसमें हत्या हुई थी, उसके बाद दूसरे दिन ये घटना फिर घटी। पुलिस अपनी टीम के साथ जुट गई और देवास के जो एसपी है पुनीत गहलोत, अभी काफ़ी वक्त नहीं हुआ है लेकिन उनकी जो सक्रियता है वो सक्रियता कहीं ना कहीं देखने को नज़र आ रही है। पुलिस ने 4 दिन का वक्त लिया और 4 दिन के वक्त में इस मामले में जो सबसे अहम जो बात निकल कर आई, जिस मामले के जो आरोपी थे दीपक और एक उसका जो साथी, उसको पकड़ा। दोनों को पकड़ने के बाद जब पूछताछ की और पूछताछ के बद जब जो बातें सामने आई वो भी रिश्तों के लिए लिहाज से काफ़ी एक असहज करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जो निसार था, उस निसार की मौत की जो असली जो गुनहगार थी वो उसकी बेटी, जो उसके खुद की बेटी थी और उसके बाद और उसकी ही पत्नी। बेटी का नाम सिमरन है, उस सिमरन जो है उसकी माँ का नाम रुखसाना है। एक घटना हमने देखी कि किरण ने अपने पति लोकेंद्र को किस तरीके से मरवाया, तो दूसरी ओर रुखसाना ने भी निसार को किस तरीके से ख़त्म करवाया।
ये जो घटनाएं होती है, लोकेंद्र की घटना हो, निसार की घटना हो, चाहे दूध मुहे बच्चों की घटनाएं हो, ये इस तरीके की जो घटनाएं होती है, ये कहीं ना कहीं रिश्तों के लिहाज से देखा जाए या रिश्तों की समझ के रूप में देखा जाए तो रिश्तों को ख़त्म करने वाली बातें होती हैं। उन चार महीने के बच्चों का आखिर दोष क्या था, क्या दोष था उनका? क्या एक जो बच्चा होता है उसको बच्चे को रोने का हक नहीं है? क्या एक जो बच्चा होता है 5 साल का 7 साल का उसको जिद करने का हक नहीं होता है? तो क्या सिर्फ 4 महीने के बच्चों को इस तरीके से ख़त्म करना क्या मुस्कान के चेहरे पे जायज़ देता था? नाम तो मुस्कान है लेकिन पूरी कठोर माँ थी वो, उस कठोर माँ ने अपने बच्चों को किस तरीके से ख़त्म किया। इसकी विपरीत हम देखें दूसरी ओर, एक और जो घटना है, ये जो घटना मैंने बताई आपको कन्नौद की, कन्नौद में सिमरन के बारे में बताया जा रहा है कि सिमरन पूर्व में भी कहीं ना कहीं किसी के साथ लापता हुई थी और इस मामले में पुलिस ने जब छानबीन की, पूछताछ की, तो सिमरन ने यही बताया कि मेरे माँ बाप, मेरे जो पिताजी है वो कहीं ना कहीं मेरे दूसरी जगह रिश्ता कर रहे थे, बस मैं इसी से नाखुश थी, वो मैंने अपने बाप के मारने की पूरी प्लानिंग रच दी। अब बात यह गले नहीं उतर रही है कि सिर्फ इसी कारण से बाप की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अपने बच्चों को देखना चाहिए, उन पर नज़र रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। ये अकेली सिमरन का एक दोष नहीं है, ना ही किरण का दोष है, ये दोष हर माँ बाप का है, हर समझने वाले का है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर उनकी सही नज़र नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, इस युग में कौन कहाँ किससे जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद कहाँ किन किन चीज़ों को अंजाम दी जाती है, जहाँ से रिश्तों का ख़त्म होना भी लाजमी सी बात हो जाती है। देश में कई ऐसे हमने मामले देखे हैं, कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनमें रिश्तों को पूरी तरीके से लोगों ने ख़त्म करने पर तुले हुए होकर पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म किया। रिश्तों का जो तार होता है, उन रिश्तों के जो तार जिस तरीके से चाशनी का तार हम निकालते हैं और उसी तार को निकालने के बाद जब वो चाशनी गाढ़ी होती है तो मिठाई अच्छी बनती है, लेकिन जब ये ख़त्म करने वाले जब तार बनते हैं तो पूरी तरीके से इंसानियत को भी शर्मसार करते हैं। इस तरह की और भी घटनाओं को लेकर, और भी बातों को लेकर हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आपकी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।